नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी गंडवाल। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह, और अगले एक घंटे में आपको हम क्या क्या दिखाएंगे। सबसे पहले ये बता दें, रफ्तार के साथ में 50 खबरें होंगी, लेकिन इसके अलावा 10:30 बजे आपको दिखाएंगे किस तरह से हिंदुस्तान के कई इलाके अभी भी जबरदस्त बाढ़ की वजह से प्रभावित है। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट आगे होगी, लेकिन खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी भी आज होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंच चुकी हैं, सोनभद्र उन्हें जाना है। और ये देखिए तस्वीरें सीधे आपके सामने, इस वक्त लोग उनका अभिवादन यहां कर रहे हैं। सोनभद्र में हुए नरसंहार को लेकर एक बार फिर प्रियंका गांधी वहां गांव उंभा में मौजूद होंगी, लेकिन जब वाराणसी पहुंची तो यहां पर कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने स्वागत किया। इससे पहले भी प्रियंका ने सोनभद्र जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बीच रास्ते ही रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर सोनभद्र जाने की कोशिश, उंभा गांव पीड़ितों से मिलने के लिए जाएंगी। जमीन विवाद का ये पूरा मामला, जिसमें इस तरह का विवाद पैदा हुआ, सरेआम फायरिंग जिसमें 10 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए भी प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार पर हमला कर रही हैं, एक के बाद एक। सोनभद्र मामले में इंसाफ को लेकर उन्होंने कई ट्वीट्स किए, पोस्ट किए, और अब एक बार फिर सोनभद्र पहुंच रही हैं। हालांकि इसी बीच कई आरोप प्रियंका गांधी ने इस बात को लेकर भी झेले कि सोनभद्र के मामले पर वो बोली, लेकिन देश में कश्मीर से लेकर कई अन्य अहम बिल पास हुए जिस पर उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। और अब बात न्यूयॉर्क की, जहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि की पाकिस्तान की जनता ने ही पोल खोल दी। यूएन में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के एक नागरिक ने सवालों की बौछार कर दी। शख्स ने यूएन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि पर पाकिस्तानी पैसों के इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिसके बाद लोधी को वहां से जाना पड़ा। बाकी लोगों ने जब शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने साफ किया कि उसके पास सवाल पूछने का अधिकार है। तो एक तरफ पाकिस्तान की प्रतिनिधि को विदेश में इस तरह के एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ भारत की कूटनीति से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कूटनीतिक सरेंडर कर दिया। कुरैशी ये मान रहे हैं कि भारत की ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा, कोई पाकिस्तान को भाव देने को तैयार नहीं। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का डर है, दिल के बाद जुबान पर आ ही गई। मोदी सरकार की कश्मीर नीति ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। बकरीद पर भी पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल रहा। क्रिकेटर से पीएम की कुर्सी तक पहुंचे इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी सरकार के कूटनीतिक बाउंसर से पाकिस्तान को कैसे बचाएं। वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की भी बाजीगरी चारों खाने चित हो चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के समझ में नहीं आ रहा कि अपने मुल्क का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाव कैसे करें। महमूद कुरैशी पाकिस्तान की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की सख्ती की वजह से उनके मुल्क में महंगाई किस कदर लोगों की जान निकाल रही है। वो ये भी जानते हैं कि भारत की ताकत के सामने दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की क्यों नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान ने एक तरह से कूटनीतिक सरेंडर कर दिया है, यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इन दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग में हैं। वो वहाँ चीन के विदेश मंत्री से मिले और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने पर बात हुई। जयशंकर के दौरे के जरिए भारत ने चीन को सीधे संदेश दे दिया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की डोर इस बात पर टिकी है कि एक दूसरे के बुनियादी मुद्दों पर संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। Differences should not become disputes. That is how India-China relations can remain a factor of stability in an uncertain world. The positive direction of our ties after the Wuhan summit has opened up a new world of convergences. एस जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में साफ साफ कह दिया कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके प्रभाव को भारत ने बेहतर प्रशासन के लिए कम किया है।
जहां तक चीन और पाकिस्तान का सवाल है, ये LAC और LOC में कोई बदलाव नहीं करता। दरअसल मोदी सरकार के कश्मीर नीति का रोना लेकर दो दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बीजिंग की फ्लाइट पकड़ी, लेकिन वहां उन्हें कोई अहमियत नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान लौटकर कुरैशी ने दावा किया था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाएगा और बीजिंग इस्लामाबाद के साथ खड़ा है, लेकिन बकरीद के दिन शाह महमूद कुरैशी की जुबान पर सच आ ही गया कि कोई उनके मुल्क के साथ नहीं खड़ा है। दुनिया में पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। मुजफ्फराबाद से हमजा आमिर और बीजिंग से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से शांतिपूर्वक ईद मनी, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। अब सुरक्षा बलों का अगला इम्तिहान जश्न आजादी के मौके पर है। कश्मीर के अमन के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने की बड़ी चुनौती है। NSA अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में ही डेरा डाले हुए हैं। कल डोभाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF जवानों का हालचाल जाना। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद नए कश्मीर में शांति से बकरीद मनाई गई। चारों ओर हंसी खुशी, कहीं कोई हिंसा नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा पूरा हिंदुस्तान सोच रहा था। बकरीद पर पाकिस्तान और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर कर सुरक्षा बलों ने अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब अगली चुनौती जश्न आजादी के मौके पर आतंकियों और पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम करने की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद जम्मू कश्मीर की जमीन से हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान और आतंकियों की साजिशों को नाकाम करने वाले सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों से मिले, जो मुश्किल हालात में भी रोजाना 16 से 17 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम देखा, सुरक्षा एजेंसियों में शानदार तालमेल की तारीफ की, जिससे कश्मीर के दुश्मनों की हर चाल को नाकाम किया जा रहा है। बुलेटिन में अब खबर हैदराबाद से, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और टकराकर सड़क के दूसरी तरफ चली गई, तभी सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। कार से टकराने के बाद पहली कार दोबारा डिवाइडर से टकराई। इस भीषण हादसे में BJP नेता समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा जो हाईवे पर हुआ, रफ्तार बहुत तेज थी गाड़ी की और इसी रफ्तार में डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी रोड पर ये कार जा पहुंची और फिर दोबारा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक BJP नेता भी शामिल है। देश भर में बारिश और बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है, ये आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने कह दिया है कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। अमेरिका ने मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय राजदूत हर्षवर्धन सिंगला के हवाले से ये खबर आई है और जानकारी के साथ गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट की, इस लिहाज से भी कि डोनाल्ड ट्रंप का इससे पहले क्या बयान आया था और कश्मीर में अभी जिस बदलाव की स्थिति लगातार जारी है उसके मद्देनजर ये बयान बहुत अहम है। डिटेल्स आपके पास क्या है? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा बयान है। इस समय अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मध्यस्थता की बात नहीं कर रहे हैं और मध्यस्थता का ये जो पेश थी वो उसी परिस्थिति में थी कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों इसके पक्ष में हो, और भारत ने साफ इनकार कर दिया और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका गए थे तो इसे वो अपनी एक बड़ी राजनयिक विजय, अपनी एक कूटनीतिक विजय बता रहे थे, लेकिन उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है पाकिस्तान को। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मलिहा लोधी, की समय बहुत किरकिरी हो रही है अमेरिका में, क्योंकि हर जगह से पाकिस्तान जहां जहां दरवाजा खटखटा रहा है, हर जगह दरवाजा पाकिस्तान के मुंह पर बंद कर दिया जा रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। मीनाक्षी, बिल्कुल शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मौत की जलधारा। खौफ से भर देगा पानी का ये प्रलयंकारी प्रहार।
चट्टानों को जड़ से उखाड़ देने वाली जलधारा, जो रास्ते में आया समझो पत्ते की तरह बहा। बादल फटा तो तिनके की तरह बह गया घर। घर बहने की ये तस्वीरें दिलों में खौफ भरने वाली हैं। बादल फटा तो शहर में आया जल प्रलय। कहीं स्कूल बह गया, कहीं गौशाला डूब गई। ड्राइवर बचा ले, दो ड्राइवर बचा ले। देखते ही देखते पानी बहा ले गया भारी भरकम डंपर। पानी यार गड्डी की हालत देख रहे हो, नई गड्डी थी इसलिए क्योंकि नमी थी। ड्राइवर ओ पकड़े नीचे, ड्राइवर ने पकड़ा। कहीं पेड़ जड़ से उखड़े, कहीं मकान हुए जमींदोज। इस बार फिर कुदरत ने मारा मौत की जलधारा। उत्तराखंड में कुदरत ने एक बार फिर तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। चमोली और बागेश्वर में बादल फटने के बाद हालात बेहद खतरनाक हैं। कहीं ताश के पत्तों की तरह मकान बह गया तो कहीं भूस्खलन से मकान ढह गए। पहाड़ पर कुदरत के कहर की स्थिति बेहद डराने वाली है। कुदरत का जब कहर बरपता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढहा घर और तिनके की तरह बह गया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा दहल गया। तस्वीरें चमोली के लांखी ओली तोप की हैं। जिस तरह से ये घर पानी में बहा, ठीक ऐसे ही छह घर जमींदोज हुए। चमोली में बादल फटा तो पूरा इलाका मझधार में तब्दील हो गया। भयानक जल प्रवाह में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें बह गई हैं। मेरी भाभी और मेरे भतीजी जो कि अतंचक आपदा से दब गए हैं, वो दोनों ही खत्म हो गए। कुदरत का सबसे भयानक कहर चमोली के घाट ब्लॉक में हुआ है। यहाँ बादल फटने के बाद मकान ढहे, दो घटनाओं में करीब छह लोगों की मौत हो गई है। देखिए कैसे मलबे में जिंदगी की खोज हो रही है। पूरे चमोली में ऐसी ही जलधारा है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बादल फटने के बाद पूरे चमोली में अलग अलग हादसे हुए जिसमें करीब 15 लोगों की मौत की खबर है। यहां हालात बेहद नाजुक हैं। स्थानीय लोगों को SDRF और पुलिस फायर सर्विस को मिला करके सारा का सारा रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू से सारी बॉडी बाहर निकाल दी गई और जो बॉडी बाहर निकाली है वो मौके पर दर्द लाई जा रही है। बांझ बांगड़ में तो चारों ओर सैलाब ही दिखता है। कई मवेशी इसी पानी में बह गए। खेत खलिहान सब तालाब में तब्दील हो गए। चमोली के बाद बागेश्वर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बादल फटा तो तबाही के निशान दिखने लगे। बागेश्वर के हवील कुलबान में फटा है ये बादल। बेहिसाब पानी की धारा जीवन को बहा ले जाने के लिए आतुर है। नालों का ऐसा विकराल रूप जैसे कोई बड़ी नदी बह रही हो। सिमखेत में इसी धारा प्रवाह की चपेट में ये स्कूल आ गया। गोमती की प्रचंड लहरें सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती हैं। गोमती में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया तो बैजनाथ बैराज के सारे गेट खोलने पड़े। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने के साथ ही बागेश्वर में कई जगह भूस्खलन हुआ है। बारिश बाढ़ और भूस्खलन ने यहां लोगों के दिलों में दहशत भर दी है। स्थिति भयानक होते देख बागेश्वर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज बंद किया गया है। प्रशासन जिले के हालात पर नजर बनाए हुए है। कुछ विद्यालय हैं उनकी क्षतिग्रस्त होने की और गौशाला भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इसके संदर्भ में संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि अपनी जो विभागीय संपत्तियां हैं उनका क्षतियों का आकलन करके तुरंत उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
बागेश्वर के बाद डोईवाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बेहिसाब बरसात की बदौलत नदी नाले उफान पर हैं। देखिए कैसे जलधारा में फंस गया ये भारी भरकम टैंकर। ये तो गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर और हेल्पर डंपर से निकल गए, वरना ऐसी जलधारा से बचना मुमकिन नहीं था। देहरादून में भी आफत की बरसात हो रही है, देखिए कैसे गलियों में सैलाब उमड़ा है। ऐसा सैलाब जिसके रास्ते में आने वाले का पहचाना निश्चित है। देहरादून में पुलिस घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही है कि लोग नदी के आसपास न जाएं। ये सभी ध्यान दें, जितने भी नदी किनारे जो है लोग वहाँ रह रहे हैं, ये सभी लोग ध्यान दें। मौसम विभाग द्वारा जो है भारी बारिश की संभावना बताई गई है और जो है भारी बारिश की आने की संभावना है, इसलिए जो है आप लोग सभी जो है सुरक्षित स्थानों पर जाएं। उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही की बरसात हो रही है। लगातार हो रहे भूस्खलन की बदौलत चट्टाने टूटकर नीचे गिर रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते कट रहे हैं, हालात बेहद भयानक है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पहाड़ क्या मैदान, बाढ़ ने जानलेवा हालात बना दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्लेशियर पिघला तो एकाएक नदी में बाढ़ आ गई और घूमने आए 22 लोगों की जान पर संकट बन गया। मध्य प्रदेश की बड़वानी में तो पानी दो लोगों की जिंदगी लील गया। पहाड़ का पानी जब रौद्र रूप लेता है तो जिंदगानी कैसे खतरे में पड़ जाती है, उसकी ताजा तस्वीर आपके सामने है। गरजता हुआ पानी 22 लोगों के शरीर को मौत बनकर छूने की कोशिश में है और इस पानी से बचने के लिए सब जितने जतन कर सकते हैं सब कर रहे हैं। बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की है। पानी की ऐसी भयानक धारा कि देखकर ही दिल कांप उठे। सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा जो इस जल धारा में फंसे हुए हैं। यार उनको बोल, घर वाला बंदा भी ना तेज पकड़ेगा। दरअसल लाहौल स्पीति से मणिमहेश यात्रा पर श्रद्धालुओं का 22 सदस्यीय दल निकला था जो डुगडी नाले में फंस गया। ग्लेशियर पिघलने से अचानक डुगडी नाले में जलस्तर बढ़ गया जिससे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। गनीमत रही कि इसमें एक दल डुग्गी नाले के दूसरे छोर पर मौजूद था। श्रद्धालुओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने उफनते नाले से सभी 22 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। नाला पार करने के बाद सब ने राहत की सांस ली। पहाड़ पर आफत की बरसात हो रही है तो मैदान पर जोरदार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। देखिए जलजमाव की ये तस्वीरें हरियाणा की यमुनानगर की हैं। यमुनानगर में हुई बरसात ने ऐसे हालात बना दिए कि गलियों में सैलाब उमड़ा। जलजमाव और बाढ़ जैसे हालात से कितना बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी से भी आई है। बड़वानी भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ में कुछ लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को उनके परिजन इस लकड़ी की नाव से खाने पीने का सामान देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बिजली के तार से करंट लगा और नाव में सवार 5 लोगों में से 2 की जान चली गई। बाकी बचे 3 लोगों की भी हालत नाजुक है। मतलब ये कि बाढ़ बारिश और उससे होने वाले हादसों ने लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण भारत भी कुदरत के कोहराम से त्राही त्राही कर रहा है। कर्नाटक और केरल में भयानक आपदा आई हुई है। बाढ़ और बाढ़ में फंसे लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर ही दिल कांप उठे। Yeah.
वो जलधारा जो प्रलय बनकर बह रही है, वो जलधारा जो कुदरत का कहर बनकर बह रही है, वो जलधारा जो बहा ले जाना चाहती है बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ। सोचिए इस जलधारा के बीच में अगर कोई आए तो उसका क्या हश्र होगा। तस्वीरें ओडिशा के बलंगीर में हरिशंकर मंदिर की। यहाँ बेहिसाब बरसात के बाद ऐसे हालात हो गए कि लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया। अब जरा इन तस्वीरों पर निगाह दौड़ाइए। जलधारा के ऊपर हेलीकॉप्टर से 5 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक एक करके नदी के बीचों बीच से इन 5 लोगों को ऊपर खींचा गया और इनकी जान बचा ली गई। तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल की। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे सुरक्षा कर्मी ही बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। डूबते हुए कर्नाटक की तस्वीरें भयानक है। बेलगाम के हालात देखिए। बेलगाम में पानी में डूबे हुए हैं घर, खेत तालाब बन गए हैं, सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव चलती हैं। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि दिल दहल जाए। गलियों में सैलाब बह रहा है और नदी में रहने वाले जानवर छतों पर पनाह लिए हुए हैं। बाढ़ के साथ बहकर बस्ती तक पहुंचे इस विशालकाय मगरमच्छ ने एक डूब चुके घर की छत पर ही डेरा जमा लिया और शिकार के इंतजार में बैठ गया। सोचिए इतने पानी में इंसान अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे। पानी में उतरे भी तो मगरमच्छ का खतरा, और उससे बच भी जाए तो पानी में डूबने का डर। कर्नाटक के ही कोप्पल जिले में कई विदेशी सैलानी भी बाढ़ के बीच फंस गए। इन विदेशी मेहमानों पर कोई आंच ना आए इसके लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, पोलैंड से आए इन सैलानियों को एनडीआरएफ की टीम ने नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।